महादेव दर्शकों जय महाकाल। यदि आपके कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कार्य बनते बनते बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है बेल का गूदा, जो बेल के बेल पत्ती का जो वृक्ष होता है उस पर जो फल लगता है बेल का, उसका आपको गूदा निकाल लेना है अंदर से तोड़कर, और उसे आपको सुखा लेना है। आप चाहे धूप में सुखा लीजिए, चाहे आप गैस पर उसे जलाकर और फिर उसमें कपूर वगैरह रखकर थोड़ा सा तेल या घी डालकर आपको वो जलाकर उसकी भस्म तैयार करनी है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बाज़ार में भी सूखा बेल मिल जाता है, आप उसे ले आइए और उसकी भस्म तैयार कीजिए, मतलब राख तैयार कर लेनी है। उस राख को आपको तैयार कर कर एक कटोरी में आपको रख लेनी, जितनी भी भस्म तैयार हो उतनी राख उस बेल से आपको एक कटोरी में रख लेनी है। फिर आपको आपको सोम प्रदोष के दिन, यानी सोमवार का जब प्रदोष पड़े उस दिन आपको सुबह या शाम किसी भी समय आपको ये उपाय करना है। आपको वो जो भस्म लेकर जानी है बेल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिए वो जो भस्म आपने तैयार की है बेल के फल की, वो आपको बेल वृक्ष के नीचे लेकर जानी है, और वहाँ जाकर वो पूरी जो भस्म है वो आपको बेल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, चाहे आपका कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, आपके कोई काम बन नहीं रहा है, आप चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या चाहे आपकी नौकरी का हो, कोई भी कार्य हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर आपको प्रार्थना करनी है। फिर वो जो आपने राख यानी जो भस्म आपको बेल जो बेल वृक्ष के नीचे आपने समर्पित की है, वो आधी उसमें से आधी जो राख है आधी जो भस्म है वो आपको फिर आपको उसी कटोरी में लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ध्यान रखिए पहले तो पूरी भस्म आपको बेल वृक्ष के नीचे चढ़ानी है, उसके बाद वो आधी वहाँ से उठानी है और उसी कटोरी में लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। वहाँ जाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो वो भस्म है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, शिवलिंग पर अच्छी तरीके से चढ़ा देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। वहीं बैठ कर आपको प्रार्थना करनी है, और हो सके तो आप घर से एक लोटा जल और लेकर जाइए, और उसके बाद जब आप भस्म तैयार भस्म आपने चढ़ा दी भस्म आपने कर दी, उसके बाद आपको वो जो जल है वो भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, धीरे धीरे कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ये उपाय आपको सोमवार की जब प्रदोष पड़े तब करना है, किसी भी समय करना है, चाहे आप सुबह कीजिए या शाम के समय कीजिए। इस उपाय के बाद आपके जो भी कार्य हैं जो अभी तक नहीं बने हैं वो जरूर बनने लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।